4 मिनट्स, सिर्फ 4 मिनट्स ओनली, 4 मिनट्स। ऐसा कैसा चलेगा? मेरा भी मिडन स्पीच है। देखिए संजय जी, संजय जी, ये चीजें स्ट्रेंथ से डिटरमिन होती हैं, लंबे समय से हो रही है। 4 मिनट्स सर, मैं इस बिल के लीगल एस्पेक्ट में नहीं जाना चाहता हूं। चिदंबरम साहब, डॉक्टर सिंघवी, देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सभी ने इस बारे में बात किया है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आप एक बहुत ही खतरनाक बिल लेकर आए और इस बिल को विरोध करने के लिए मैं खड़ा हूं। जो इस बिल के समर्थन में वोट करेंगे वो भारत माता के साथ बेईमानी करेंगे, इंडिया के साथ बेईमानी करेंगे। ये देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधा हमला है, लोकतंत्र की हत्या है। देखो देखो, 4 मिनट है, मुझे 2 मिनट काफी है, तो ज्यादा आवाज मत वहां से करिए। एक चुनी हुई सरकार दिल्ली में है, विधानसभा है, असेंबली है, सरकार लोगों ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को वोट नहीं दिए है, एलजी को वोट नहीं दिया है, एलजी नहीं जाता वोट मांगने को, वोट मांगता है केजरीवाल या कोई मुख्यमंत्री या कोई सरकार, कोई नेता। हाँ, आप 5 बार चुनाव हार गए, 6 बार चुनाव हार गए, आज भी दिल्ली के विधानसभा में आपके 5 विधायक नहीं है, और इसलिए आप दिल्ली विधानसभा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, आप कब्जा लेने चाहते हैं। सरकारें कौन चलाएगा? हम लोकतंत्र की बात अगर करेंगे, मैं वहां की बहुत से लोगों के मेरे मित्र है, भाषण सुन रहा था, मुझे लगा आपको पुराने दिन याद आएंगे, जब लोकतंत्र के बारे में बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे थे, लेकिन आपके आंखों में मुझे कोई लज्जा नहीं दिखी। मुझे 2 पंक्तियां याद आई गोपाल दास नीरज की, मत पूछो कि इस दौर में क्या क्या नहीं बिका, आपने तो सब कुछ बिक दिया है, पब्लिक सेक्टर से लेकर लोकतंत्र तक, विधायक, सांसद, सरकारें, मत पूछो कि इस दौर में क्या क्या नहीं बिका, आपके आंखों की शर्म तक आपने बेची है। सर आप दिल्ली का चुनाव हार गए, आप 2024 का चुनाव भी हारने जा रहे हैं। इंडिया जीतेगा। प्रधानमंत्री, हाँ प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री विश्व गुरु बना दिया है, लेकिन उनका जो सम्मान होता है, उनको जो लोग बाइडन से लेकर फ्रांस के प्रेसिडेंट तक जो गले लगाते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को नहीं गले लगाते, एक महान लोकतंत्र वाले देश के प्रधानमंत्री को गले लगाते, इंडिया के प्रधानमंत्री को गले लगाते हैं, और आप उस महान परंपरा को, उस महान संस्कृति को आप खत्म करने जा रहे हैं। अभी अभी प्रधानमंत्री पुणे में गए थे, लोकमान्य तिलक का नाम से उनको सबसे बड़ा अवार्ड मिला। आई रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल मेंबर्स एंड दिस इज नॉट अ गुड टेंडेंसी। सर मैंने क्या बोला? नो, मैंने गलत क्या बोला? वन सेकेंड, इट इज